बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में, और आपको एक भाई वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं काफ़ी हैरानकुन वीडियो है और काफ़ी परेशानकुन भी वीडियो है जो अभी के मामला चल रहे हैं। एक वीडियो है जी, यंबो शहर है जी सऊदी अरेबिया का। आपको पता है जी, अगर हम मदीना शरीफ से निकले तबूक की तरफ, या आप रस्ते में आते हैं जी, आप मदीना शरीफ से निकलेंगे आपको यंबो मिलेगा। फिर ये सब शहर समुंदर के ऊपर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन सब शहरों का विज़िट किया हुआ है। यंबो के बाद अमलज आ जाता है बिल्कुल समुद्र के ऊपर, अमलज के बाद अलवज जाता है वो भी समुद्र के ऊपर, आगे दुबा आ जाता है वो भी समुद्र के ऊपर है। दुबा से भाई चढ़ाई शुरू हो जाती है, फिर ऊपर जाकर तबूक आपको मिलेगा। तो तबूक में तो माशाल्लाह सर्दी बहुत होती है, लेकिन यंबो अमलज अलवज दुबा इन शहरों में भाई गर्मी बहुत होती है और हबस होती है। समुद्र के किनारे के ऊपर होते हैं, बिल्कुल आपका पसीना नहीं रुकता है, आप यकीन करें। तो बहरहाल अलवज में मैं काफ़ी देर रह भी चुका हूँ, वहाँ के जो साहले समुद्र था उसके मुतलक आपके साथ वीडियो भी काफ़ी शेयर कर चुका था मैं। बहरहाल ये वीडियो आपके साथ यहाँ पर मैं अभी आपको शायद दिखानी शुरू कर चुका हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि बंगाली, दो बंगाली भाई खड़े हुए हैं बकाला के अंदर। तो एक काउंटर के ऊपर एक साथ खड़ा हुआ था, तो इतने में चार पाँच लड़के दाखिल होते हैं जो जिनकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो एक ने हाथ में भाई वो टोका पकड़ा हुआ है जिससे हम गोश्त वगैरह बनाते हैं, उससे डराया उन दोनों को, उनको पीछे किया है। आप वीडियो में देखते जाएँ, इन लोगों ने जो गला वगैरह उसका वो निकाला है बाहर, जो भी अंदर यानी कि रियाल वगैरह पड़े हुए थे या जो भी माल था वो सब निकाला है, उसके बाद लेकर फरार हो गए हैं। इनकी आप उम्र देख लें भाई, सबकी उम्र बिल्कुल 20 22 18 17 ऐसे होंगे, ये लड़के हैं बिल्कुल नौजवान। तो उनको डराकर भाई बकाले से जितना भी उस बेचारे का बंगाली का माल वगैरह था, मुझे तो बंगाली लगा है, वो लूट कर ले गए हैं। तो अभी ये गिरफ्तार तो हो जाएंगे, ये कन्फर्म बात है, वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा मैं, क्योंकि इनकी यहाँ पर वीडियो बन चुकी है सीसीटीवी कैमरे में जो कि बकाला के अंदर लगा हुआ था। ये एक अच्छी चीज़ है, सीसीटीवी कैमरा का भाई ये फायदा होता है। तो ये गिरफ्तार तो हो जाएंगे, लेकिन ऐसी हरकत अगर खुदा न खवास्ता ये वो जो इसने आपने पकड़ा हुआ था इसको मार देता, तो फिर तो भाई ऐसी चीज़ों के ऊपर जो मेरे परदेसी भाई सऊदी अरेबिया में रहते हुए कारोबार करते हैं खुद का, वो थोड़ा एहतियात करें, थोड़ी सेफ्टी करें अपनी, मज़ीद यही बेस्ट है।